हाँ तो भैया, क्या हाल है? पाकिस्तान की टीम को जो है वो 319 रन का टारगेट मिला है। दो खिलाड़ी जो हैं वो आउट होके वापस जा चुके हैं 0 रन पे, और अब्दुल्ला शफीक और मीर हमज़ा। मीर हमज़ा को जो है वो नाइट वॉचमैन पता नहीं क्यों भेजा भाई, जब उस बंदे का कम बैक में दूसरा टेस्ट मैच है, प्रेशर कितना होगा। बॉलर है वो, बैट्समैन में तो जब बैट्समैन की हालत ख़राब हुई हुई होती है आखिर के ओवर्स में कि वो आउट ना हो जाए, तो आप नाइट वॉचमैन तो एटलीस्ट वो भेजो जिसको थोड़ा सा तो बैट एंड बॉल का पता हो, थोड़ी सी तो बैटिंग आती हो। हसन अली को भेजना चाहिए था, जो थोड़ा सा सीनियर है। ठीक है, वो कमबैक कर रहा है लेकिन वो सीनियर है, वो खेल चुका है, बैटिंग भी करना जानता है। मीर हमज़ा भी आउट हो गया 0 रन पे। दो खिलाड़ी आउट हैं, 319 रन चेस करना है। लास्ट 90 ओवर्स का गेम रहता है आज के दिन का, तो ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन बाबर आजम हैं, सरफराज हैं, इमाम हैं, अभी टीम के मेन प्लेयर्स हैं मौजूद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और न्यूजीलैंड ने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया, 319 रन का अभी टारगेट दे के, और उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी। 5 आउट हुए थे उनके, और बहुत ब्रेव डिसीजन है। रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, चाह रहे हैं कि रिजल्ट को, और आज लग रहा है कि कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। ड्रॉ तो नहीं हो सकता ना, वे ओवर पाकिस्तान की टीम रोक तो नहीं सकती, और या तो आउट हो जाएंगे या रन्स करेंगे। मुझे लगता है कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना चाहिए, जीतने के लिए जाना चाहिए, और टेस्ट मैच ड्रॉ करने की तरफ नहीं जाएं। लंच तक जो है वो कोशिश करें 200 बनाने की, 200 अगर हो गए तो फिर 119 रन बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा। लेट्स सी कि अब इनका बिहेवियर क्या है, किस तरह से मैच शुरू करते हैं। टेस्ट मैच को आज तो वनडे की तरह खेलना चाहिए, टेस्ट मैच सोच के ना खेलें। जीत सकते हैं, 400 जब बना सकती है पाकिस्तान की टीम 408 रन, तो फिर ये भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और प्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त हैं पाकिस्तान के, ऐसी बात नहीं है, तो होप फॉर द बेस्ट। बस ये है कि पिच में है तो कुछ भी नहीं बॉलर्स के लिए, तो आज रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, और ऐसा ना करें भाई कि उनको दे दें सारे विकेटें, ऐसा नहीं करिएगा। जीतने की कोशिश कीजिएगा। मिनी हार्ट अटैक्स के लिए फैंस जो हैं वो रेडी रहें, क्योंकि मिनी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, और वो पाकिस्तान की टीम उसमें एक्सपर्ट है मिनी हार्ट अटैक्स देने में। तो कभी ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान जीत रहा है, कभी ऐसा लगेगा पाकिस्तान हार रहा है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान इन द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, और जीतने की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। सरफराज की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इनिंग लेट्स सी, 50 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो डिलीवर कर चुके हैं। बाबर आजम से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमाम उल हक से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शान मसूद से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शान मसूद आएंगे मेरे ख्याल में, और सऊद शकील आएंगे, तो सऊद शकील भी बहुत बहुत ब्रिलियंट 100 रन की इनिंग खेल चुके हैं फर्स्ट इनिंग में, तो ही इज़ इन फॉर्म, और पिच का भी उनको बिहेवियर पता है, बॉलर्स का भी पता है। तो लेट्स सी, होपफुली पाकिस्तान की टीम जो है वो आज का टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाए और सीरीज़ विन करने में कामयाब हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा। सो फिर वनडे टीम का भी ऐलान हो गया है, वनडे टीम भी फिर उस पर भी डिस्कशन होगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल पाकिस्तान के जीतने के बाद। होपफुली ऑल द बेस्ट।